दोस्तों आज हमारी दुनिया डिजिटल हो गई है। अपने टैलेंट को दिखाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज की इस वर्चुअल दुनिया में अगर आपके पास टैलेंट हो तो कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। इंटरनेट के आने के बाद बहुत से लोगों को पंख मिल गई है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिन्हें इंटरनेट ने जीरो से हीरो बना दिया। लेकिन दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहले नंबर पर आता है जोमेटो वाला सोनू। कभी किसी की स्माइल देखकर प्यार आता है तो कभी की स्माइल देखकर गुस्सा आ जाता है, ऐसा ही एक शख्स है सोनू। सोनू को आप जानते ही होंगे। दोस्तों अगर आप नहीं जानते होंगे तो सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट में देख सकते हैं, जो कि अपनी स्माइल की वजह से फेमस हो गए हैं। सोनू के स्माइल के चलते दुनिया भर में कई दीवाने हो गए हैं। दरअसल सोनू एक जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है, जो कि इन दिनों अपने हेलमेट और स्माइल को लेकर काफ़ी चर्चा में है। इनका वीडियो सबसे पहले टिकटॉक में दानिश अंसारी ने किया था, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जोमेटो के ऑफिशियल पेज पर सोनू की स्माइल लगी हुई फोटो दिख रही है। सोनू की मासूम चेहरे और भोली सी सूरत पर काफ़ी लोग फिदा हैं। जब सोनू से पूछा गया कि क्या आप कितना कमाते हैं तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रोज 12 घंटे काम करते हैं और 350 रुपये बचा लेते हैं, इसमें इंसेंटिव भी शामिल है और ऑर्डर जो कैंसिल होता है वो कंपनी हमें खाने के लिए देती है। दूसरे नंबर पर आता है गीमा आसी। इनका पूरा नाम गरिमा चौरसिया है, ये दिल्ली की रहने वाली है। इनका एक एमयूए के गाने को शूट करके टिकटॉक पर डाला और वो वीडियो काफ़ी ट्रेंड करने लगा। दोस्तों आपको ये बता दूं कि इनका पंजाबी एल्बम रिलीज हुआ है। टिकटॉक पर इनके फॉलोअर्स 6 मिलियन है। इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो डालना ऐसे ही शुरू किया था, जो कि आज सेलिब्रिटी बन चुकी है। नंबर 3 पर आता है रानू मंडल। दोस्तों आज किस्मत रानू मंडल को कहां से कहां ले गई। आज वो इस मुकाम पर है जहां लोग जाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और कई लोगों को यह मुकाम मिलता भी नहीं है। रेलवे प्लेटफार्म पर भीख मांगकर खाना खाने वाली ये महिला आज बड़ी स्टार बन चुकी है। इनके पीछे की कहानी शायद आप जानते ही होंगे। ऐसे ही एक दिन पर प्लेटफार्म पर गाना गा रही थी, इस लड़के ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया, जो कि रातों रात फेमस हो गई। फिर क्या था, रेनू जी की आवाज़ इतनी सुरीली है कि हर कोई शख्स इन्हें सुनने लगा। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई और कई स्टेज प्रोग्राम में भी बुलाया गया और मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दे डाला। सुनने में आया है कि सलमान खान ने एक फ्लैट भी गिफ्ट में दिया है। दोस्तों आपका कौन सा हॉबी है, मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करें। नंबर 4 पर है प्रिया वॉरियर। इस आँख मारने वाली लड़की को कौन नहीं जानता, जो लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। ये महज 18 साल की उम्र में ही वो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली जिसे पाने के लिए लोगों को वर्षों लग जाते हैं। इनका जन्म केरल में हुआ और पेशे से ये एक साउथ एक्ट्रेस है, जो कि 2018 में एक फिल्म शूट के दौरान एक सीन में प्रिया का आँख मारने वाला सीन काफ़ी फेमस हुआ और रातों रात प्रिया पॉपुलर हो गई। और उस रात के बाद प्रिया को सारा हिंदुस्तान जानने लगा और वो आज इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, जो कि अपने इंस्टाग्राम पे किसी भी ब्रांड का एक पोस्ट करने के लिए 5 लाख रुपया लेती है। बहुत जल्द बॉलीवुड फिल्म श्रीदेवी आने वाली है, जो कि श्रीदेवी की भूमिका में नजर आएगी। दोस्तों आप भी इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 5 अमलेश नागेश। टिकटॉक के सुपरहिट कॉमेडियन अमलेश नागेश, जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में रहते हैं। दोस्तों अमलेश नागेश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छोटे से स्टूडियो में वीडियो शूटिंग का काम किया करते थे। अपने आसपास के लोगों को काफ़ी हंसाते ही रहते थे। दोस्तों आज इनके टिकटॉक पर काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं और सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन चुके हैं। दोस्तों अमलेश नागेश गरीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके चलते आज आप देख ही सकते हैं कि मेहनत, लगन और सच्ची निष्ठा से काम करना कितना रंग लाता है। दोस्तों आज अमलेश नागेश जी को बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। इन्होंने एक सीजी मूवी में भी काम किया है। दोस्तों इनके एक्टिंग को काफ़ी सराहनीय माना गया है। सुनने में आया है बहुत ही जल्द बॉलीवुड में भी एक्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही इंटरनेट के माध्यम से आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और भी रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरे चैनल का वीडियो आप आसानी से देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।